तो भाई लोगों, अपनों ने अब दर्शन कर लिए हैं माता जी के, शारदा मैया के। अब चलते हैं अपने ब्रह्मदेव जी के पास। वो नेपाल में स्थित है मंदिर, वहाँ चलते हैं। दिखाता हूँ नेपाल पूरा आपको, दिखाता हूँ बॉर्डर, जो कि नेपाल और इंडिया का गेट जो है, दिखाता हूँ आपको। और कितनी सिक्योरिटी है, क्या क्या आपको वहाँ पर देना पड़ेगा, पैसे वगैरह जो लगता है लगाई बाइक वगैरह की, शायद 150 रुपये लगता है बाइक एंट्री की। चलते हैं। मेरे से तो लिया नहीं, लेकिन बाइकों को रोक रहे थे, जो कि मैं बताना चाहूँगा आपको। अभी तो भीड़ वगैरह कम ही है, देखना वीडियो में और बताना कमेंट में कैसी लगी आपको वीडियो और नेपाल का पूरा व्यू। तो चलते हैं नेपाल और दिखाता हूँ आपको। अभी पहले ब्रिज दिखाता हूँ वहाँ का, नेपाल को जो सीमा वगैरह क्षेत्र है, जो पूरा अपना इंडिया और नेपाल का बॉर्डर, क्योंकि ये पुल पार करते ही नेपाल स्थित तो नेपाल आ जाता है, आगे ही है वो पूरा। और बॉर्डर की सिक्योरिटी वगैरह दिखाता हूँ आपको। चलिए देखते हैं आगे। आगे बॉर्डर पे मैं कैमरा ऑफ कर दूँगा, क्योंकि वो नियम के ख़िलाफ़ है। चलिए मिलते हैं, देखते हैं आगे का व्यू। तो गाइस, अपने लोग आ चुके हैं, आप देख सकते हो आगे ये पुल सीधा नेपाल की ओर गया है। आगे अपना इंडिया का बॉर्डर है। यहाँ देखते हैं, भाई लोगों से पूछते हैं क्या प्रोसेस है। भाई लोगों से पहले पता ही कर लेते हैं क्या है, अंदर जाने दे रहे हैं नहीं जाने दे रहे हैं। गाड़ी आगे जा रही है भैया, पूरा ब्रिज है यहाँ का, देख सकते हो। वो यही यही वहाँ पर गया है क्या? कम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्राइस हो गया। तो ये देख सकते हो पूरा नेपाल है। ये सिद्ध बाबा महेंद्र नगर नहीं है भाई मेरे, महेंद्र नगर वो ओरिजिनल वाला दूसरा है, सिद्ध बाबा मंदिर के सामने वाला है। आगे से है पूरा बॉर्डर, ये पूरा इलाका है बॉर्डर का, नेपाल बॉर्डर का। मेले पे यहाँ पर भीड़ रहती है, सारी दुकानें खुलती हैं, अभी बंद हैं। पिछली बार मैं आया था तो पूरी दुकानें खुली थी, अभी तो बंद है। ये देख सकते हो शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, नेपाल सरकार, नेपाली में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हिंदी में अंक लिखे जाते हैं यार। गूगल पे नहीं होगा ना आपके पास? गूगल पे नहीं होगा ना? चाउमीन के लिए हम पैसा लेके नहीं आए भैया, गलती हो गया, पैसे निकाल लेना चाहिए पहले। ये सब मेले में ज्यादा भीड़ रहती है, अभी मेला नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है। चाओ चाओ चाउमीन के लिए बोला है शायद, किसके लिए बोला है? मतलब चाओ चाओ क्यों बोला? नूडल्स में बाय बाय बोलते हैं, एक देख काली जय अलग ही नूडल्स वगैरह। यहाँ सस्ती वाले नूडल्स आए थे, हाँ लाली वाली गरिया ना, ये है डायलॉग गरिया ना। तो अपनों को इधर ही चलना है भाई लोग। पहले हम लोग आए थे तो ये भीड़ भाड़ इतनी थी कि पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, और आज हम लोग आए हैं तो बिल्कुल सुनसान है। यहाँ सारे जगह दुकानें वगैरह लगी थी, और यहीं पर जैसे देख सकते हो ये पलंग वगैरह, यहाँ पर हर किसी ने अपनी अपनी दुकानें लगाई हुई थी। जब ये सीज़न वगैरह होता है, जब श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर दर्शन करने नवरात्रों में, तब इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पर लोगों को लाइन लगानी पड़ती है और धीरे धीरे जाना पड़ता है।
और यहीं पर आगे हमने गन्ने का जूस पिया था जो अंकल जी गए हैं, इन्हें लगाया था शायद, इन्हीं का था। हाँ, पहले हम आए थे यहीं पर, गन्ने का जूस पिया था हमने, और शायद आए घर बना रहे हैं अपना। और ये देख सकते हो यहाँ, यही है ब्रह्मदेव मंदिर आगे, और अपने चलते हैं यहाँ ब्रह्मदेव मंदिर, पूरा व्यू देखते हैं अंदर का। आज तो बहुत भीड़ ही नहीं है तो दर्शन भी बहुत अच्छे खासे हो जाएंगे अपने लोगों को। देख सकते हैं प्रवेश द्वार है यहाँ का। देख सकते हो पूरा ब्रह्मदेव मंदिर है। विष्णु महाराज मैं यहाँ वो बांध के गया था। क्या धागा बांध के गए थे आप? बोलना चाहिए बांध के गया था, चलिए बोल के आनी है। लोग शादी होने की बात क्या आते हैं, मैं शादी नहीं होने की बात क्या है था मेरी शादी ना हो। अरे वाह, ये सिद्ध बाबा मंदिर ये है, मेन मंदिर यही है ना? अच्छा, तो पहले हम आए थे तो भीड़ बहुत थी, मैं दर्शन भी नहीं कर पाया था इतने खास। देखो अब देख सकते हो, आपको भी दर्शन करा रहा हूँ खाली से। देख सकते हो ये सिद्ध बाबा मंदिर है हमारे, ये महादेव है ना, ये महादेव जी की मूर्ति है, आगे है ब्रह्मदेव की। ये पैसे तो लेंगे नहीं, पैसे लेके नहीं आए, दिक्कत दिए ये। मेरे को लगता है सिर्फ मेलों में ही यहाँ पर भीड़ रहती है। ये मिट्टी की दीवार है क्या? नहीं, पैसे नहीं हमारे पास ना वैसे तो उसी समय दर्शन भी नहीं हो पाते जब भीड़ होती है इतनी। जी जी, मैं आता हूँ ना तो बहुत भीड़ होती है। हम पिछली बार आए थे तो भीड़ में दर्शन ही नहीं हो पाए थे, थोड़े दिन है, दो महीने के बाद। ये नेपाल है क्या? है देश नेपाल। तो ये क्या कहते हैं, महेंद्रनगर में आता है? ये डिस्ट्रिक्ट कंचनपुर आता है। कंचनपुर गाँव कौन सा है? गाँव ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, अच्छा। पहले सोचते थे ये है महेंद्रनगर, महेंद्रनगर तो वहाँ से है ना, बनबसा से पास पड़ता है, 12 किलोमीटर दूर पड़ता है। अच्छा, महेंद्रनगर। चलो सर चलें। चलो तो देख सकते हो ये पूरा मंदिर बाहर का है, ये निकास द्वार है। और पहले हम आए थे तो पूरे दर्शन नहीं करा पाया था, अब देख सकते हो आप लोग। और ब्लॉग में बताइएगा कैसा लगा आपको मंदिर, और कैसा क्या कहना चाहते हो अशोक भाई, आज दर्शन पूरे हुए हैं मन से, मन मुताबिक तसल्ली के हुए हैं? जब अपने पहले आए थे तो मन को बहुत शांति मिल रही है आज, जल्दी जल्दी में नहीं, बहुत आराम से दर्शन हुए हैं, आराम से 1 घंटे पूजा पाठ कर सकते हैं आप लोग।
पहले में हम आए थे तो भाई साहब धक्का मुक्की में हमें दर्शन ही नहीं हो पाए थे, इतनी लंबी लाइन थी। आज विदाउट लाइन हमें आराम से दर्शन किए हैं। देख सकते हो ये प्राचीन कुआं है, श्री सिद्धनाथ मंदिर संरक्षण समिति द्वारा यह है। दिखाते हैं कुआं, ये बंद है अभी, हेडफोन वगैरह लगा पा रहे, मतलब नल है इसमें, ये नीचे कुआं है और नल वगैरह लगा दिया गया है। लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा है, इसका भी कुछ अलग ही महत्व होगा, बाबा की लीला है। और सिद्ध बाबा मंदिर देख सकते हो, ये आज मैं मनमोहक दर्शन हुए हैं बाबा के, दिल प्रसन्न हो गया। तो दर्शन करने के बाद हम लोग अब निकल रहे हैं और टनकपुर दिखाता हूँ पूरी मार्केट, तो वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर आता रहे। तो चलते हैं अब टनकपुर मार्केट, दिखाता हूँ आपको पूरी, तब तक के लिए बाय बाय। तो सही है सर, बता दे क्या कहना चाह रहे हैं ऑडियंस को। तो भाई साहब कह रहे हैं पहली बार मैं शांति देख रहा हूँ, बोलना नहीं आता ना, जब ब्लॉगर बनूंगा फिर बोलना सीखूंगा, स्पीच अब शांति हो रखी है भाई को लग रहा है। तो हमें कौन सा बोलना आता है, फर्स्ट टाइम लग रहा है, इतनी शांति हो रही, चप्पल ले चुकी उसको, पैसा है गूगल पे एक्सेप्टेड है, तो गूगल पे देख यहाँ पर चल जाएगा, वैसे यार अकाउंट में पैसे नहीं है उसके। चल यार चल यार, ले तू क्या कह रहा, एक घंटा लगेगा, क्या लगा है आधा घंटा, अब अपने चलते हैं, अपनी राइडर उठाते हैं और चलते हैं, पहले ग्लव्स वगैरह पहनने के बाद फिर चलते हैं। देख सकते हो यहाँ बॉर्डर है पूरा नेपाल बॉर्डर, कई लोग घर चलता है बेचारा, एक बियर ले आता, तूने गाड़ी खड़ी कर रखी है, एक बियर है, एक क्वार्टर पड़ा हुआ है, वो इधर आया ही नहीं, एक बियर उधर पड़ी हुई है, एक बियर उधर पड़ी हुई है, बियर ही बियर है। हाँ, हाँ। तो दर्शन करने के बाद अब चलते हैं अपने घर। चल भाई, ऐसे तू बोल रहा था कि गाड़ी के कागज जरूरी हैं करके, तेरे पास गाड़ी है ना, पैसे नहीं होते हैं, वैसे तो मैं कितनी बार आया हूँ वहाँ पे, बिना डीएल के आया हूँ, बिना पेपर के लेके आया हूँ गाड़ी के, तो आज भी तो बिना पेपर और बिना डीएल के। देख सकते हो यहाँ से टनकपुर 4 किलोमीटर है और चंपावत 80 किलोमीटर है, दिल्ली 345 किलोमीटर है और शारदा बैराज 100 मीटर की दूरी पर, जिससे मैंने आपको अवगत करा ही दिया है। अपने आ चुके हैं आप, ये देख सकते हो आगे नेपाल बॉर्डर है और यहीं से अपनों को चलना है आगे इंडिया बॉर्डर पे, क्योंकि अपनों ने ब्रह्मदेव जी के दर्शन कर लिए हैं और आगे ही शायद पैसे वगैरह लेते हैं लोग, चार्ज बनता है इनका। आगे बाइक वगैरह खड़ी हैं, अपनों को उधर नहीं जाएंगे, अपने इधर से इधर को पकड़ लेंगे। ये देख सकते हो ये है यहाँ का गेट, ये नेपाल, ये पुल सीधे
इंडिया में जाके खुलता है, मतलब इंडिया की सिक्योरिटी आगे है, फोर्स वगैरह इंडिया की आगे है। इस पुल के पार इंडियन आर्मी है और इस साइड नेपाल की आर्मी है। उस समय ज़्यादा ही वाइट हो रखा था, तो अभी मैंने ISO कम किया है, देख सकते हो पूरा ये पुल दिख रहा होगा आपको, कितना प्यारा पुल है। दोनों साइड चलने का है और बीच में ये देख सकते हो बाइक वगैरह के लिए है। जब हम आए थे पिछली बार तो ये पूरा पुल भरा हुआ था, नेपाल के भी बंदे थे हमारे साथ और इंडियन भी थे, बहुत मज़ा आया था। मेरी वीडियो पहले पड़ी है, वो पूरी वीडियो देखो और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अभी पहले आपको नेपाल का तो दिखा दिया मैंने, अब टनकपुर थोड़ा दिखा देता हूँ, मार्केट वगैरह। तो वीडियो में बने रहो, मिलते कहाँ पर हैं अभी, तो वीडियो में बने रहो, दिखाता हूँ पूरा व्यू। और आगे देख सकते हो कितना प्यारे पहाड़ दिख रहे हैं, ये देखो उस समय भी ऐसे ही पहाड़ दिख रहे थे, लेकिन आयु से ज़्यादा होने के कारण पहाड़ की तो रेड लग गई, कुछ दिख ही नहीं रहा था, वाइट वाइट ही लग रहा था। तो चलते हैं मार्केट दिखाता हूँ। आधा घंटा लगा अपने वो अंदर। टुक टुक वगैरह यहाँ से सीधे टनकपुर के लिए हैं, और यहाँ से आपको प्रसाद वगैरह मिल जाता है अगर आप यहाँ से लेना चाहें तो, वरना वहाँ पर थोड़ा महंगा ही होता है प्रसाद, ब्रह्मदेव मंदिर के पास। तो चलते हैं आप टनकपुर में, मार्केट दिखाता हूँ वहाँ की। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।